हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके कार लाल सुड़ में गए फिर से। तो दोस्तों ये देखो मारुति ओमनी है। अब इसमें पता प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे ये देखो ये तीस की स्पीड में चल रही है। अब जैसे मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा इसका, ये देखो पूरा दबा लिया मैंने, पर स्पीड नहीं बढ़ रही इसकी देखो। और इंजन की आवाज़ देखो कितनी तेज आ रही है, देखो पूरा दबा रखा है मैंने एक्सीलेटर। और ये देखो मतलब स्पीड ये इतने, यानी कि इतने धीरे पकड़ रही है, बहुत धीरे। अब इसके इंजन की आवाज़ आ रही है बहुत तेज। तो अब इसमें देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि इसमें है ना इसकी क्लच प्लेट जल चुकी है, मतलब घिस चुकी है बहुत ज़्यादा। तो बीच बीच में फ्री हो रही है, मतलब ज़्यादा पावर लगा रहे हैं ना अपन तो फ्री हो रही है। तो वो क्लच प्लेट डालने का जो घर पर ही जो प्रोसेस है ना, मतलब किस तरीके से डाल सकते हैं, किस तरीके से उसकी सेटिंग होगी, तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ईजी आता है इन मारुति ओमनी वगैरह का काम बहुत ईजी है। तो चलो चलते हैं दुकान पर, खोलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो किस तरीके से, यानी कितना आसान है मतलब डालना, कितनी चीज़ें खुलती हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो चलो, और सेटिंग कैसे होती है क्लच की वो भी दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं दुकान पे। तो शुरू हमारा खेल, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं, देखो सबसे पहले गियर खोलने से पहले क्या करना पड़ता है, एक बैटरी का तार, चाहे पहला हटाओ चाहे माइनस हटाओ चाहे प्लस हटाओ, कोई सा भी एक तार हटा के पहले दूर करना है। फिर दूसरा ये सील्ड खोलनी है, तो मैं खोल लेता हूँ, काफ़ी आसान है, 12 नंबर बोल्ट आता है इसमें। ये देखो ये सारे बोल्ट खोलने हैं, सील्ड हटानी, तो मैं खोल लेता हूँ। तो ये देखो दोस्तों इस सील्ड का भी अब हम आखिरी बोल्ट खोल रहे हैं, और ये देखो ये सारे बोल्ट है ना 12 नंबर पाने से खुल जाएंगे। तो ये आखिरी बोल्ट हम खोल लेते हैं, और ये खुल गए देखो सारे बोल्ट ये पड़े, और इस सील्ड को उठाकर पीछे कर देते हैं। तो सील्ड का तो हो गया पीछे। अब गियर में अपन को सबसे पहले क्या खोलना है, वो है सेलअप। तो सेलअप में सबसे पहले क्या खोलना है, देखो ये सब कवर लगा होगा इसके वायर पर, इसको यूँ उठा कर पीछे कर देना, और ये 12 नंबर बोल्ट खुलेगा सबसे पहले। तो फिलहाल हम खोल लेते हैं, थोड़ा सा पहले ढीला कर लेता हूँ। एक हाथ से वीडियो, एक हाथ से बोल्ट। ये देखो ये बोल्ट खुल गया, इसे खोला, देखो काफ़ी आसान है और कोई मुश्किल काम नहीं है देखो। जबकि एक गर्म गाड़ी में खोल रहा हूँ दोस्तों, हल्की फुल्की है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है। मैं अभी अभी चला के आया हूँ, देखो ये बोल्ट खोला, अब इसकी डेबरी को वापस इसमें लगा दूँ, है ना। और ये नीचे एक वायर देखो, इसमें पिन लगी है ये रहा, इसको भी यूँ खींच के हटा दो, ये हट गई। अब क्या खोलना है अपन को, ये बोल्ट, एक तो ये बोल्ट है ना, और एक बोल्ट ये रहा यहाँ पर नीचे, ये दो सेलअप के बोल्ट खुलेंगे। देखो ये एक बोल्ट ये रहा और एक बोल्ट ये रहा। तो चलो ये खोल देता हूँ, मैं डीले कर लेता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, हमने दोनों बोल्ट खोल लिए हैं। अब देखो ये रहा नीचे का एक बोल्ट, मैंने पूरा लूज कर लिया था, निकाल लेता हूँ आप लोगों के सामने। ये देखो ये निकाल लिया पकड़ के अपन ने, ये देखो अब एक ये ऊपर का है, तो इसको भी देखो मैंने खोल लिया था, ये पकड़ के ये निकाल लिया। ये देखो अब एक चीज़ और दिखा दूँ, देखो आपको जो बड़ा बोल्ट है ना वो ऊपर का है, याद रखना जो बड़ा बोल्ट है ना वो ऊपर का है, और छोटा बोल्ट है वो नीचे का है। अब इसके बाद में अपन को करना क्या है, यानी ये सेलअप है ना, इसको यूँ घुमाया और यूँ पकड़ के यूँ पीछे खींचा और ये निकल गया। ये देखो ये आ गया इसका सेलअप बाहर, सबसे पहले तो सेलअप आ गया। ये देखो अब इसका अपन को जो सेकेंड जो खोलना है ना, वो क्या खोलना है, ये होजिंग का एक नट। तो ये मैं एक सेकेंड ढीला कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ देखो कैसे खुल देगा। तो दोस्तों देखो अब मैं इसको खोल रहा हूँ, जो मैंने ढीला कर लिया था, देखो ये खोलते हैं, देखो ये देखो गियर दूर होने लग गया है ना। तो सिंपल सा है, 14 नंबर की डेबरी आती है, देखो अब मैं इसको खोल लेता हूँ। ये ऊपर ऊपर से खुलने वाला आइटम बता रहा हूँ मैं देखो आपको, ये 14 नंबर की डेबरी खोल दी अपन ने, ये रख दी इधर। अब एक देखो इसका जो बैक गियर का ये स्विच है ना, ये देखो ये रहा, ये यहाँ पर एक क्लिप में लगा रहता है, देखो ये रहा। अब इसको क्या करना है, यहाँ से दबाकर इसको निकाल देना है। देखो मैं एक हाथ से निकाल रहा हूँ, ये निकल गया, ये हो गया फ्री। अब ऊपर से सब कुछ खुल गया, ऊपर से कुछ नहीं खोलना, अब नीचे चलना है, चलो नीचे चलते हैं। तो दोस्तों देखो अब हम जा रहे हैं इसमें राइट साइड से, मतलब जिधर स्टेपनी होती ना उस साइड से नीचे जा रहे हैं, देखो राड की तरफ से है ना। और नीचे ही नीचे आने के बाद में सबसे पहले क्या खोलना है, सापट। इसके चाहिए चार बोल्ट खोलने, मैं खोल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। देखो तो दोस्तों देखो हमने इसके सापट के चारों बोल्ट खोल लिए हैं, ये देखो अभी तीसरा चौथा भी खोल लिया, आखिरी बोल्ट भी, ये खुल गया। अब देखो इसके चारों बोल्ट है ना, मैं यहाँ पे अलग रख रहा हूँ ताकि दोबारा लगाने भी मेरे को। अब इसको है ना निकालने का जो तरीका है, देखो वो भी मैं दिखा देता हूँ, न्यूट्रल कर लेता हूँ गाड़ी। तो दोस्तों देखो इसको निकालने का जो तरीका है ना, वो क्या है, इसके यहाँ पे जोर जोर से हत्थी की देनी है। अब कभी कभार अगर मान लो ये जाम हो जाए ना, जैसे हत्थी से ना निकले, तो यहाँ पर हथौड़ी की मारनी है, जैसे कि मैंने देखो पहले मार चुका, यानी यहाँ पर यानी हथौड़ी की मारनी, जिससे ये जंग लग के कई बार क्या जाम हो जाती है, जो लूज हो जाएगी। हथौड़ी की मारने के बाद में इसको यूँ जोर से देनी, ये देखो निकल गई, और निकल के यहाँ छोड़ देते हैं। तो चलो अब इसके बाद क्या खोलना है वो भी मैं दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों देखो, सापट को खोलने के बाद हमने क्या करना है, ये अर्थिंग का वायर देखो, ये रहा एक अर्थिंग का वायर, इसकी डेबरी देखो इस साइड है, ये रही। यहाँ से ये डेबरी को खोलनी है, ये रहा ये अर्थिंग का वायर, इसको खोलना है ना। तो मैं खोल लेता हूँ, फिर निकालते हुए दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखो, ये डेबरी हमने इस साइड से खोल लिया, मैं दिखा दूँ। देखो 12 नंबर की डेबरी आती है ये डेबरी खोल ली। अब ये डेबरी खोलने के बाद में क्या करना है, देखो ये अर्थिंग वायर ना, इसको यूँ पकड़ के, और ये बोल्ट आ गया बाहर, देखो ये अर्थिंग वायर खुल गया। इस बोर्ड को अलग रख देते हैं डेबरी को लगा के, फिर बाद में लगाएंगे जब काम आएगा। देखो यहाँ से निकला है अर्थिंग वायर, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ से ये रहा है अर्थिंग वायर, खुल दिया अपन ने, तो चलो इसे रख देते हैं। तो दोस्तों अर्थिंग वायर के बाद में देखो, इसमें ज्यादातर है ना 12 नंबर पाना काम आएगा, ये है ना गेल लीवर वायर राड है। अब या तो आप ये डेबरी खोल लो, या फिर ऊपर से इसकी पिन निकाल दो। तो पिन निकालने में तो क्या कई बार टूट जाती है पिन, तो ये डेबरी खोल लेते हैं अपन। ये देखो ये नीचे वाली की भी खोल लेते हैं, ये दोनों राडों की डेबरियां डीली कर लेते हैं और इन्हें खोल लेते हैं आगे आगे की साइड से, मतलब पीछे से नहीं, सिर्फ आगे आगे की साइड से इसकी दोनों डेबरियां निकाल देनी है। ये देखो ये मैं निकाल देता हूँ, ताकि आप लोगों के सामने आप लोगों को तकलीफ ना आए। बिल्कुल एक एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत आसान है, मतलब कोई इसमें कुछ आउट वाउट नहीं होता है। देखो ये सिर्फ आगे आगे वाली डेबरी खोलनी है अपने को। ये थोड़ी मिट्टी आ गई इसमें, इसलिए थोड़ी जाम हो गई। ये देखो इधर की तो मैंने निकाल ली थी, ये रही। अब इसको देखो निकालने वाले, देखो ये निकल गई राड, ये नीचे आ गई है ना, तो ये हट गई। अब इसकी डेबरी इसी में लगा देते हैं, ताकि ये घूमे नहीं, कहीं भी खोए नहीं। तो चलो उसको खोल लेता हूँ मैं एक सेकेंड। तो दोस्तों देखो, इसकी भी हमने ये डेबरी खोल ली है ना, अब इसको भी रख देते हैं साइड में। अब देखो इस वाली राड को आप हटाना चाहो तो यूँ खींच के और बैक गियर की तरह लीवर को खिंचवा के हटा सकती है, लेकिन हटाओ मत, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अपन गियर उतारेंगे ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो चलो अब इसके बाद में आपको क्या खोलना है, वो है आपको इसके यानी कि आगे का होजिंग पर आ जाओ। अब होजिंग में क्या खोलना है, देखो एक तो ये रहे 10 नंबर बोल्ट, ये दो प्लेट के बोल्ट आते हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये देखो एक ये रहा और एक ये वायर के ऊपर ये रहा, ये दोनों बोल्ट खोलना है हमको 10 नंबर। तो ये प्लेट भी हटानी है ये छोटी सी, तो चलो ये भी हटाते हैं। तो दोस्तों देखो, हमने एक तो ये बोल्ट खोल ही दिया नीचे वाला वहाँ का, अभी एक और हटाता हूँ। देखो ये लूज कर लिया मैंने, अभी हटाता हूँ। देखो ये प्लेट हट गई, अरे प्लेट में भी ऐसा है उल्टा सीधे लग नहीं सकती। ये देखो इसमें यानी खांचा आता है, यानी यूँ अंदर टेपर आती है तभी लगेगी, ये ऐसा उल्टी सीधी नहीं लग सकती। ये देखो, तो ये भी अब मैं साइड में रख देता हूँ। अब इसके बाद अपन को खोलना क्या है, ये क्लच का वायर। तो क्लच के वायर में देखो 14 का पाना लगेगा, 14 नंबर। वैसे तो अगर मान लो ये जाम रहे, ये टाइट रहे डेबरी, तो यहाँ से प्लास से पकड़ लो, या फिर 6-7 के पाने फिक्स पाने से पकड़ लो, बाकी इसमें जाम नहीं है। तो देखो अब इसको भी खोल देता हूँ मैं, इसका क्लच वायर भी हटा देता हूँ। देखो काफ़ी आसान है, देखो ये खोल रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो चलो खोल लेते हैं और दिखाता हूँ आपको, देखो अच्छे से। अब ये खुलने वाला है पूरा, ये देखो ये जैसे पूरा खुलेगा ढीला होएगा, ये खुल गया है, ये देखो ये खुल गया, इसे निकालो। अब इसमें देखो ये गुल्ली ना, इसको भी निकालो। ये देखो अब मैं इसको इसमें वापस डाल देता हूँ, और इसकी डेबरी अटका देता हूँ, ताकि ये इसके अलावा कहीं ना जाए। तो चलो इसकी डेबरी भी अटका देता हूँ, चलो ये खुल गया क्लच। तो देखो इसको हमने इसमें डाल दी, ताकि ये घूमे नहीं दोनों चीज़ें। अब क्या चीज़ खोलनी है दोस्तों, वो और बता देता हूँ मैं आपको। देखो एक इधर है ना, जो जैसा अपन ऊपर की डेबरी खोली ना, देखो एक इस साइड है, तो इसमें आयल में संदरी है, चलो उधर जाके खोल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखो, इस साइड का होजिंग पर आकर ये अपन को ये एक और डेबरी खोलनी है, जो फिक्स पाने से खुलेगी ज़्यादातर। देखो यानी क्या करूँ अब, देखो अकेला कर रहा हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, एक हाथ से आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये मान के चलो, हर एक चीज़ बताकर छोड़ूंगा मैं अपने सब्सक्राइबरों को। ये देखो ये डेबरी खुल गई 14 नंबर, इसको इधर रख देते हैं। अब जो खोलना है अपने को, वो क्या खोलना है, पेच कर ला जाता हूँ मैं एक सेकेंड। देखो अब एक दो चीज़ और बच रही है लास्ट, दो दिखा देता हूँ मैं, तो चलो पेच कर ले आता हूँ। तो दोस्तों अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, इसकी किलोमीटर की चेन। तो ये देखो ये यहाँ 4 मुँह का पेच कर लिया, इसमें एक स्क्रू आता है, ज़्यादा टाइट नहीं रहता है स्क्रू, हमेशा ध्यान रखना, हल्का सा लूज ही मिलेगा ज़्यादातर ये। तो ये देखो ये खुल गया। अब ये देखो ये सब्सक्राइबर के कॉल आ रहे हैं दिन में। अब देखो दोस्तों ये भी खुल गया। अब इसे खोलने के बाद देखो, इसको या तो पूरा ही हटा लो आप, या फिर इतना लूज कर लो पूरा खोल दो, फिर इसको हिला हिला कर यूँ देखो, एक किलोमीटर चेन निकल गई इसकी बाहर। इसको हल्का सा वापस अटका देते हैं, ताकि गिरे नहीं। अब ये देखो, अब इसमें खोलनी है अपन को एक और लास्ट चीज़ और सबसे मेन चीज़, और इसमें लगेगा ये 12 नंबर पाना। तो 12 नंबर पाना भी लग सकता है, और आप गोटी टामी से भी खोल सकते हो। तो ये है इसका इंजन का गियर का माउंटिंग। ये देखो
मैं दिखा देता हूँ, ये रहे इसके, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, पहले मैं पाना लगा लेता हूँ। ये गियर माउंटिंग के बोल्ट है ना, ये दोनों बोल्ट खोलने अपने को। ये खुल गया, लूज हो गया, ये देखो। अब ये दोनों बोल्ट भी खोलने अपने को, एक तो ये वाला है ना, इसमें देखो आसानी से फिक्स पाने से खुल रहे। चाहो तो मैं गोटी टामी लगा कर यूँ ही खोल सकता हूँ इसे फटाफट घुमा कर, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसे आराम से पाने से ही खोल रहा हूँ। ये देखो, ये एक ये बोल्ट खुलेगा और एक ये बोल्ट खुलेगा बस। तो चलो मैं दोनों बोल्ट खोल लेता हूँ, देखो दोस्तों फिर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो, इस साइड का मैंने बोल्ट खोल ही दिया है, और इस साइड का बोल्ट जैसे ही मैं खोलूँगा, देखो ये गियर आ गया, नीचे लटक गया है, देखो ये गियर नीचे आ गया। अब अपन को करना क्या है, सिर्फ इसको हिला हिला कर और बाहर खींचना है। तो चलो मैं इसे ऊपर चलता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ। देखो सब चीज़ें खोल दी, इनके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं खुलेगी दोस्तों। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, देखो ये जो मैंने खोली ना, ये सारी चीज़ें ही खुलेंगी, इनके अलावा कोई चीज़ नहीं खुलेगी। तो अब मैं निकालने का तरीका दिखा देता हूँ ऊपर से ही। देखो नीचे से भी निकाला जा सकता है, लेकिन ऊपर से निकाल देता हूँ मैं। तो दोस्तों देखो एक चीज़ और, या ना इसमें देखो एक रबड़ का केप आता है, तो इसको आप चाहो तो नाखून से यूँ पकड़ के उपाड़ लो, या फिर आप चाहो तो पेचकस लगा के। तो आप इधर से वीडियो बना दो गोल्डन में गेयर निकालते हुए के आगे। एक सेकंड दोस्तों, मैं मोबाइल पकड़ा देता हूँ कस्टमर को, भाई कोई दिख रहा है ना गेयर अच्छे से, बस है ना गेयर दिखना चाहिए बस पब्लिक को, है ना, सही साठ, हाँ ओके। तो दोस्तों देखो, इसमें एक हाथ तो यहाँ दिया और एक हाथ मैंने यहाँ से नीचे से दे दिया है ना। अब इसको यूँ हिलाना है बस, ये देखो यूँ हिलाना है, और यूँ हिला कर देखो ये निकल रहा है, देखो धीरे धीरे बाहर, ये देखो ये आ गया बाहर है ना। अब ये देखो, ये मैंने पूरा निकाल लिया और इसको ये नीचे रख दिया, ये देखो मैंने अकेले में देख लो दोस्तों, सिर्फ एक मिनट में गेयर उतार दिया। अब ये आ गया इसकी क्लच प्लेट बाहर, ये देखो गेयर सिर्फ बहुत हल्का आता है इसका, कोई भारी भी नहीं आता गेयर। अब ये जो शील्ड है ना देखो, इसको अपन को, यानी ये जो शील्ड है इसको वापस इसमें रख देनी है, ये देखो ये चिपक गया, डाउल में बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं, गेयर अपन ने उतार दिया। अब इसके बोल्ट खोलने क्लच प्लेट के, तो ये मैं खोलता हूँ एक सेकंड, फिर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखो, अब हम इसकी क्लच प्लेट खोल रहे हैं, बोल्ट हमने ढीला कर ही चुके हैं, ये देखो जल्दी जल्दी, ये देखो ये खुल गया इसकी क्लच प्लेट। अगर धीरे 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 मैं खोल रहा हूँ एक एक बोल्ट, तो चलो पहले खोल लेता हूँ एक एक बोल्ट को, सारे बोल्ट खोल लेता हूँ, फिर उसके बाद में दिखाता हूँ आपको निकाल कर। तो दोस्तों ये आखिरी बोल्ट है, इसे निकाल लेते हैं एक सेकंड, ये देखो गर्म हो रही है बोल्ट, ये आखिरी बोल्ट, और ये निकल गई क्लच प्लेट बाहर, ये देखो ये रही क्लच प्रेशर। तो अब देखो इसमें देखो बिल्कुल ही स्लिप हो चुकी है, देखो ख़त्म। अब उस साइड से दिखाता हूँ, देखो इस साइड से जितनी घिसी ना उस साइड से उससे ज़्यादा घिसी हुई होती है, हमेशा ध्यान रखना, क्लच प्लेट ज़्यादातर इस साइड से घिसती है। देखो इस साइड से देखो लोहे पड़ गई, ये देखो बिल्कुल घिसकर लोहे सड़ गई, ये देखो पूरी ख़त्म हो चुकी है, मतलब ये जड़ चुकी है। ये देखो एक साइड से लोहे से नहीं अड़ी ना अभी तक, तो मतलब इस साइड से भी घिस चुकी है वैसे बहुत ज़्यादा, पर इस साइड से हमेशा ध्यान रखना क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट की तरफ से ही ज़्यादा घिसेगी, ये देखो पूरे लोहे का अड़ चुकी है। देखो तो चलो नई मंगवाते हैं, फिर उसको सेट करने का तरीका बताता हूँ, और एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप घर पर डाल रहे हैं तो देखो क्लच प्लेट जो लगाने का तरीका ना वो ये है, जो इसमें देखो ये जो ऊंचा हिस्सा है ना, ये ऊंचा हिस्सा मतलब ये देखो ये हिस्सा है ना, ये प्रेशर प्लेट की तरफ रहेगा, जो प्लेन हिस्सा है ना वो फ्लाईव्हील की तरफ रहेगा, मतलब ये देखो ये हिस्सा है ना ये फ्लाईव्हील की तरफ रहेगा, और ये हिस्सा हमेशा यूँ लगेगा, बस ये याद रखना आप, बस इतना सा याद रखना, ये हिस्सा फ्लाईव्हील की तरफ यानी प्रेशर प्लेट की तरफ, और ये पतला हिस्सा है ना ये हिस्सा ये फ्लाईव्हील की तरफ जाएगा, मतलब यूँ जाएगा, तो ये भी याद रखना। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखो इसके ये रे बोल्ट है ना, ये बोल्ट इसके हैं, लेकिन इसमें दो बोल्ट अलग आएंगे, जैसे कि ये वाले देखो इनमें बीच में, ये देखो ये दो बोल्ट अलग आते हैं ये वाले, तो ये दो बोल्ट अलग हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। देखो आपको क्या देखना है, मतलब देखो इनमें देखो चूड़ी शुरू में यहाँ से स्टार्ट है, अब इस होल में देखो थोड़ा सा फ्री है अंदर जाके चूड़ी, तो ये दोनों बोल्ट है ना इनमें देखो इनमें लगेंगे यहाँ से और इसमें, मतलब कि यानी तरीका क्या है मैं बता दूं, अगर जो मैंने बताया ना वो दो बोल्ट अलग, वो एक इसमें लग रहा है तो एक नीचे इसके सामने वाले में लगेगा, मतलब उसका तरीका क्या है, मतलब देखो ये बोल्ट को हम घुसा रहे हैं तो यहाँ से घुस ही नहीं रहा है, देखो यहाँ से ही चूड़ी स्टार्ट है इसमें, ये देखो शुरू से ही चूड़ी स्टार्ट है। अब इन बोल्टों में क्या खास बात है, देखो ये यहाँ से घुसा है तो हल्का सा पहले घुसेगा फिर चूड़ी पर बैठेगा, ये देखो हल्का सा घुस के चूड़ी पर, मतलब दो होल आते हैं इसके, ये दो बोल्ट लगते हैं अलग से आते हैं ये दो बोल्ट, ये देखो इनमें यहाँ पर यानी स्पेस आता है मतलब क्लच प्लेट को रोकने के लिए,
तो ये और बता दिया मैंने आपको, तो चलो मैं क्लच प्लेट ऐसा ले आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों ओरिजिनल एमजीपी की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों मंगवा लिए हमने। ये देखो ये रही ये, मतलब ये देखो अब एमजीपी में देखो कौन सी कंपनी की निकलती है वो दिखा दूँ मैं आपको, वेलियो, और काफ़ी बढ़िया कंपनी है क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट के मामले में। देखो मेरे को यही पसंद है, मैं यही डालता हूँ। और एमजीपी में भी अब तो यही निकालने लगी, पहले एमजीपी में नहीं निकलती थी ये, आज से 2-4 साल पहले मतलब सीके कंपनी की निकलती थी, अब वेलियो निकालने लगी तो मैं वेलियो ही डालता हूँ। बाकी पहले जब सीके निकलती थी तब भी मैं वेलियो दूसरी खरीद कर डालता था, देखो एमजीपी नहीं डालता था, लेकिन अब मैं एमजीपी इसलिए डालने लग गया क्योंकि इसमें वेलियो निकलने लगी। अब ये देखो ये रही क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट, अब देखो एक बार और दिखा दूँ, देखो क्लच प्लेट कैसे बैठेगी, जो देखो ऊंचा हिस्सा है ना ये यूँ क्लच प्लेट में इस तरफ लगेगा। और अब देखो नई क्लच प्लेट में माल देखो आप कितना ज़्यादा है, ये देखो एक गड्ढे देखो इसके, हाँ तो पुरानी के देखो बिल्कुल प्लेन हो चुकी है, देखो ये देखो यार मतलब वो बहुत ज़्यादा जड़ चुकी है और वो स्लिप मार रही थी। अब ये देखो डाल दी और मैं दिखा दूँ, देखो 1600 रुपये के आसपास आती है क्लच प्रेशर, दोनों सेट आते हैं इतने में 1600 रुपये में एमजीपी का। तो चलो अब इसे फिट करता हूँ और इसकी सेटिंग मिलाने का तरीका और दिखा देता हूँ, देखो कितना आसान है। देखो सबसे पहले तो अपन को करना क्या है इसको, मतलब कुछ नहीं करना है, यूँ ली जैसे मैंने बिठाई ली इसमें लगा देना। अब जैसे मैं लगा रहा हूँ देखो ये लगा दी अपन ने आराम से, इसको इसमें बिठा दी है ना, कुछ नहीं किया ना, अब कुछ नहीं करना है, बस करना भी कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा कोई मेथड नहीं है कि कुछ होएगा या ऐसा कुछ होएगा, बस ये देखो बैठे नहीं ना तो इसको यूँ घुमा लो, बस थोड़ी थोड़ी सी घुमा कर देखनी है। ये देखो अब फिक्स बैठ गया, गैप इतना कम हो गया। तो चलो इसके बोल्ट अटका देता हूँ मैं और वो जो दो बोल्ट है वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो हमने इसके सारे बोल्ट अटका दिए, मतलब दो को छोड़कर, ये जो दो है ना ये दो बोल्ट देखो, ये दो बोल्ट, ये दो उनको छोड़कर देखो, इनमें ये जो हिस्सा है ना ये हिस्सा, इसकी वजह से ये अलग हैं दो बोल्ट, बाकी के सब यानी छोटे आते हैं इससे, ये बड़े आते हैं बस। तो ये दो बोल्ट है ना ये देखो ये अलग हैं, देखो ये देखो आपको दिखाओ, देखो इनको लगना आता है, देखो ये हल्के से अंदर घुस के चूड़ी पकड़ते हैं, तो ये तो लग गया यहाँ पर है ना। अब जो एक बोल्ट है ना अगर एक यहाँ पे लग गया ना तो अब एक इसके सामने लगेगा, मतलब नीचे की साइड यहाँ पर। चलो देखो दिखा देता हूँ, लगा देता हूँ एक सेकेंड, ये देखो एक वहाँ पर लग गया तो एक इसके सामने लगेगा, देखो मैं जगह भी घूम लेता हूँ एक सेकंड, बोल्ट ये एक सेकंड खंग गया मेरा हाथ, हाथ बार बार में खंग गया, ये रहा एक सेकंड, मैं नीचे जाके लगा के आता हूँ, ये मैं दिख नहीं रहा दोस्तों यहाँ से देख लेता हूँ मैं, ये रहा देखो ये एक ये रहा होल, ये गया इसमें, ये देखो एक सेकंड ये गया इसमें, ये लग गया एक यहाँ लगेगा। अब अपन को क्या है इनको कसना नहीं है, सिर्फ यूँ हाथ से अटका देना है पहले। अब अपन को करना क्या है, ऐसी कोई पुरानी टाप लेनी है, देखो मारुति ओमनी की पुरानी टाप है मैं दिखा देता हूँ। अब इसको क्या है इसमें यानी कि यूँ करके और यूँ घुसाना है, ये देखो अब ये इतनी रहनी चाहिए कि फ्री अंदर बाहर हो रही है, ये देखो अब ये फ्री अंदर बाहर हो रही है। तो अपन को क्या करना है, कोई से भी यानी कोई से भी एक ये और एक ये सामने के दो बोल्ट कसने हैं बस धीरे धीरे, ये देखो ये बेल्ट लगा दी, अब देखो मैं कसना, देखो जैसे कि ये देखो ये से धीरे धीरे कसना है, मतलब ये से मैंने तीन चूड़ी इसकी कस दी है ना, पूरा नहीं कसना है, अब तीन ही इसकी कसनी, मतलब थोड़ा बहुत इसको भी कसना है, मतलब ताकि प्रेशर प्लेट की जो दाब है ना क्लच प्लेट के ऊपर लगती रहे है ना। ये टाप को नहीं निकालनी बस बीच में से, ये देखो ये मैंने इस तरफ का भी कस दिया, ये थोड़ा बहुत ये भी कसा कर, अब फिर वापस इस पर आ जाता हूँ, ये देखो अब जैसे अपन ये कसेंगे देखो ये पत्ती आने दबती रहेंगी नीचे, तो देखो ए इधर की पत्ती दबने लग गई ज़्यादा तो अब इधर पर आ जाओ, फिर से इसको कसो दो तीन चूड़ी, ये देखो अब जब ये दोनों काफ़ी टाइट हो जाए ना, ये अब काफ़ी टाइट हो गई, ये देखो दोनों साइड के, तो अब आप कोई सा भी बोल्ट कर सकते हो, सिर्फ एक बार इसको यूँ चेक करना है बाहर अंदर बाहर प्यार से आ रही ना, बिल्कुल फ्री आ रही है, बस ये हो गई सेटिंग क्लच प्लेट की। अब सारे बोल्ट कसने हैं, अब कोई सा भी बोल्ट कर सकते हैं अपन, तो चलो मैं इनको कंप्लीट कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो हमने सारे बोल्ट बिल्कुल कस दिए मजबूत से, अब इसको लास्ट में ये देखो ये चेक करनी है, ये देखो बिल्कुल फ्री। अब दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं क्लच प्रेशर की सेटिंग का जो मिलाते हैं ना इसका, लेकिन सबसे जो बेस्ट और आँख मीच के मिलाने वाला तरीका ना वो ये है, और सबसे बेस्ट ये है ऐसी पुरानी टाप। अब आप बोल रहे हो भैया हमको पुरानी टाप कहाँ मिलेगी, पाने तो हम चलो खरीद लेंगे, लेकिन ये पुरानी टाप आप कहीं भी कबाड़ी में जाएं और जहाँ पर कबाड़े का सामान मिलता है वहाँ से, चाहे ये हिस्सा टूट रहा हो चाहे ये हिस्सा टूट रहा हो, सिर्फ अपन को ये आगे आगे का ग्रुप और ये गुल्ली है ना ये साबुत चाहिए बस,
इतना सा हिस्सा भी अगर आपको कोई मिल रहा है ना, और कबाड़ी में 100-200 रुपए में आराम से मिल जाएगी, आप उठा लाओ और फिर घर पे ही ला के आराम से अपनी कलर स्प्लेट की यानी सेटिंग वगैरह सब खुद आप खुद कर सकते हो। देखो ये देखो इतनी फ्री है, अब ये गियर बिल्कुल पानी की तरह बैठेगा दोबारा। तो चलो कंप्लीट, अब इसका गियर ठाकते हो वो भी मैं सबको दिखा देता हूँ, फिर आपको प्रोसेस बताइए, यानी कोई सी भी चीज़ कभी भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो चलो मैं पहले टाँग दूँ फिर दिखाता हूँ क्या क्या कसना है। तो दोस्तों देखो अब इसको टाँगने का तरीका क्या है, मतलब इसको यूँ उठाया, देखो ये उठा लिया मैंने है ना, नीचे से एक भाई और उठा रहा है। देखो अब इसको है ना, जो वो टॉप है ना अपन ने लिया, उसको यूँ मिलाने सेंटर में, और सेंटर में मिलाने के यानी इसको यूँ घुसाया। देखो ये मिल गया। अब ये जैसे आपको वेट नहीं लेना है आपके ऊपर, तो आपको करना क्या है, यूँ पेच कर लिया है और इसको यहाँ से जो दाब लिया और गाड़ी को गियर में डलवा देनी है। अब नीचे से एक भाई है ना, वो हिला हिला के, हाँ भाई हिला हिला के अंदर देखो। देखो अब इस पर बस हल्की हल्की सी दाब लगाते रहना है बस। ये देखो ये बैठ गया अंदर। अब ये बैठने के बाद में इस पर हल्की सी दाब रखनी है, और ये जो डेबरी थी ना अपन ने खोली थी यहाँ की, ये देखो ये इसको अटका देनी बस, ताकि वापस नीचे ना गिरे। तो देखो ये हम ये डेबरी अटका देते हैं, और ये गियर हो गया फिट। ये देखो रुको, ये आ गया गियर ऊपर। ये देखो सिर्फ एक उंगली इसमें फंसा के यानी इसको उठाना पड़ता है, और इसको इसमें टॉप में यानी घुसाया और ये डेबरी अटका दी मैंने। अब ये गियर कंप्लीट है। अब इसको कंप्लीट करने का क्या है, अब इसका सेलअप अटकाना है, जैसे अपन ने खोला था वैसे ही। तो सेलअप अटका देता हूँ मैं। तो ये देखो दोस्तों हमने सेलअप कस दिया है। अब सेलअप में जो है वो बताओ, देखो छोटा बोल्ट नीचे बड़ा बोल्ट ऊपर। अब इसके ये जो तार है ना, देखो ये पिन हटाई थी जो हमने, ये हटाई थी ना पिन, देखो ये पिन हटाई थी, इसको हमने ये लगा दी, कोई हार्डवर्क नहीं है, ये तार हटाया। अब इसमें तार लगा देते हैं, इसका मेन वायर पकड़ाना नीचे से। ये देखो ये आ गया मेन वायर। अब इसको जैसे हटाया था ना वैसे के वैसे यूँ लगा दिया। ये देखो ये लग गया, और ये डेबरी अटका दी, हो गया काम 25। यानी कोई हार्डवर्क ही नहीं है दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। ये देखो ये डेबरी लग गई, और ये लो ये डेबरी को कसते रहो, ये वायर ऑटोमेटिकली बैठ गया। मतलब जैसे खोला है ना वैसे लगाना है, ये देखो सब चीज़ों को। ये देखो अब इसको कस देता हूँ 12 का पाना ला के। ये देखो लग गया, फिर इसकी कैप को यूँ इस पर पिना देंगे। तो ये भी हो गया, क्लच वायर लगी जाएगा जैसे खोला वैसे। क्लच की सेटिंग आपके हिसाब से रखनी है आपको, वो भी मैं दिखा दूंगा। और जो मेन चीज़ है जो बैक गियर की राड है ना, ये है सिर्फ। इसमें हटाने का तरीका तो मैंने दिखा दिया, लेकिन लगाने का जो है वो दिखाना बाकी, वो मैं दिखाता हूँ अभी, रुको 2 मिनट। तो देखो दोस्तों भाई ने सब लगा रहा है धीरे धीरे। ये देखो सापड़ भाई लगा ही रहा है, जैसे खोली थी वैसे के वैसे ही लगानी बस। ये देखो देखो चारों बोल्ट अटका दिए। ये इंजन माउंटिंग देखो, इस भाई ने अर्थिंग भी कस दिया। देखो ये रहा, देखो अपना ये देखो अर्थिंग का बोल्ट भी लगाया जैसे लगाया था। गियर माउंटिंग है जो, इसके भी दोनों बोल्ट लगा दिए हल्का सा उठाकर। उधर से किलोमीटर चेन है, उसको भी फंसा के, यानी यूँ फंसाना है बस, जैसे अपने खींची थी ना वैसे ही फंसेगी, हल्की सी घुमा के उसे फंसा देनी, ताकि वो पूरी घुस जाएगी जितनी उतनी निकली है। अब ये राड है वो भी लग जाए। क्लच का है जो अपन ने जैसे खोला वैसे के वैसे ही लगेगा। तो ये सारी चीज़ें लगा देना है, फिर मैं आपको बैक गियर की राड है जो ही लगाने का तरीका वो मैं दिखा देता हूँ। पहले ये सब कंप्लीट हो जाने देते हैं। तो दोस्तों ये रही अपन की बैक गियर राड। अब इसको लगाने का तरीका मैं बताऊँगा। देखो हाँ बैक गियर खींचो, देखो ये बैक गियर लगाने के लिए खींची, और देखो राड पीछे गई है ना। तो मैं दिखा देता हूँ क्या तरीका है, एक बंदे से किसी से भी। देखो ये यूँ बैक गियर की तरफ सिर्फ इधर खिंचवाना है इसको, सिर्फ इधर खिंचवाना है, हाँ बस खींच लो। अब देखो जैसे भाई खींचेगा, चलो छोड़ दो मैं क्यों जब खींचना, देखो देखो हाँ खींचो बैक गियर की तरफ। देखो बैक गियर की तरफ बोलते ही ये राड देखो पीछे चले जाती है। ये देखो अब फिर इसको यूँ किया, हाँ इसमें फंसा दिया, छोड़ दो, ये हो गए फिट। बस ये तरीका है। अब इसकी डेबरी लगा देते हैं अपन। ये देखो ये हो गई फिक्स, ये लग गई इसकी डेबरी। अब इसे कंप्लीट कर देते हैं, कस देते हैं। ये बैक गियर राड लगाने का तरीका है, इस तरीके से आप राड लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि यही एक तरीका था जिसमें थोड़ी सी दिक्कत थी जो मैंने बता दी। बाकी तो सब देखो जैसे अपन ने खोला ना वैसे लगेंगी। ये देखो अब ये क्लच की सेटिंग है, तो आप जैसे क्लच पे पेडल पे चाल देख लें भाई, आपको कितनी प्लेस ठीक लगती है उतनी रख देना बस। अब ये कंप्लीट है, सारी चीज़ लग गई। देखो ये प्लेट भी लग गई, और ये बोल्ट भी कसा के गया, इंजन माउंटिंग सब, यानी जैसे खुला ना वैसा लगेगा बस, और कुछ नहीं। सिर्फ एक इसी में थोड़ी सी थी सेटिंग, तो मैंने आपको दिखा दी। अब मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको गियर लगा कर चला कर दिखाता हूँ गाड़ी। तो ये देखो दोस्तों गाड़ी पूरी कंप्लीट है, टोटल लास्ट टचअप हो रहा है। अब बैटरी का तार लगाएं और सीधा आपको टेस्ट ड्राइव लेके दिखाते हैं। चलो चलते हैं रोड पर, निकालता हूँ फिर। तो ये देखो दोस्तों अब हम आ गए हैं रोड पे। अब देखो गाड़ी उठा के देखता हूँ, देखो वो
यानी उठाने में इतना मजा आ गया है। देखो हल्का से एक्सीलेटर दिया और ये देखो स्पीड तुरंत पकड़ रहा है, मतलब ये देखो यानी इतना प्यारा पिकअप हो गया गाड़ी का, एक नंबर मजा आ गया है। ये देखो एक कस्टमर भाई भी साथ में बैठा हुआ है, ये खुद भी जब मैं वीडियो बनाया था यूं बोल रहे हैं यार तू सारी चीज एक एक बोल्ट दिखा रहा है, मैंने कहा हर कोई डाल लेगा ये तो मैंने इनसे यही कहा, मैंने कि मैं भी यही चाहता हूँ हर एक बंदा डाल ले अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट। तो दोस्तों काफी बेहतरीन मजा आ गया गाड़ी में, ये देखो यानी अभी इतना बढ़िया पिकअप आ रहा है एक नंबर। तो ये देखो और इस तरीके से दोस्तों आप लोग है ना खुद ही अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट डाल सकते हैं क्या, यानी जो मैंने इसमें प्रोसेस दिखाया ना वो उसमें आपको सारी चीजें दिखा दी। देखो जो भाई थोड़ा बहुत भी नट वगैरह खोलने हैं इनके बारे में समझता है तो वो भाई के पास अगर गाड़ी तो वो भाई अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट खुद ही चेंज कर सकता है आराम से। और साथ में देखो क्लच बेयरिंग खराब हो तो क्लच बेयरिंग भी चेंज कर लो, तो क्लच बेयरिंग तो काफी आसान है यानी उसको चिमटे को जोर से खींचो निकल जाता है बाहर और उसकी लॉक बैठ जाती है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपने नंबर दूंगा और आपको अच्छे से अच्छा सजेशन दूंगा, जो भी आपको एडवाइस चाहिए होगी वो एडवाइस भी दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो जो पब्लिक प्रॉफिट की होती है मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ जिससे पब्लिक का फायदा होता रहता है मैकेनिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अपना नंबर दूंगा और आपको अच्छे से अच्छा सजेशन दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।